Today we will talk about dynamics. So in this numerical, first of all we will understand the question and the problem, what it says in it. A force of 20 newton moves a body with an acceleration of 2 meter per second square. What is its mass? So the question is, कहता है कि एक जो आपके पास एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है, उसके ऊपर अगर 20 न्यूटन की क्या लगाई जाए फोर्स, ये फोर्स एक बॉडी है, ठीक है, उसको हमने कहा कि वो बॉडी उसका मास कुछ कुछ भी होगा, हमें पता नहीं है, ठीक है, और वो हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है एम फॉर मास, ठीक है, वो हमने फाइंड आउट करना है. तो पहले लिखते हैं हमने गिवन डेटा के अंदर क्या है, हमें कहता है कि हमारे पास 20 न्यूटन की फोर्स हमने इसके ऊपर लगाई है, ठीक है, और कहता है कि वो कितनी एक्सेलरेशन के साथ वो मूव करना शुरू कर देता है. वो एक्सेलरेशन जो इसके अंदर पैदा होगी वो होगी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन है हमारे पास, ठीक है, यहां से हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगी, ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, यहां से हमारे पास फोर्स आ जाएगी, एफ इधर से मिल जाएगी, वहां से हमें एम एक्सेलरेशन मिल जाएगा, और क्या कहता है व्हाट इज इट्स मास, और हमने इसका क्या मास, यहां से हमें एम मिल जाएगा, हमने एम जो है यानी कि फाइंड आउट कर क्या करना है, मास इसका हमने फाइंड आउट करना है, और हमें फोर्स भी हमें पता है, एक्सेलरेशन भी हमें पता है, वो हमें ये दी गई है, ठीक. तो गिवन डेटा के अंदर क्या क्या आएगा, जनरली गिवन डेटा के अंदर वो चीजें हम लिखेंगे जो कि हमें न्यूमेरिकल के अंदर दी गई है. सो लेट्स स्टार्ट इट. फोर्स, वी हैव फोर्स विच इज 20 न्यूटन. सो नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन, वी डिनोट इट ए, इट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. Now what we have next? Next step is find out. ठीक है, हमें क्या find क्या करना है हमें, ठीक है, हमें find करना है mass, हमें find out करना है, वो ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये उसने क्या what is its mass, हमें क्या करना है, find out करना है, mass find out करना है. तो उसके लिए हमारे पास formula क्या होगा, क्या formula हम use करेंगे, what formula we will use here, very simple, as we know that हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, force है और हमारे पास क्या acceleration है, हमें क्या करना है, find out करना है, mass find out करना है. तो हमारे पास एक formula, F equals to ma, F equals to ma, तो ये हमारे पास formula है. अब हमने solution, इसका solution करते हैं. हमारे पास एफ भी है, हमें पता है, एक्सेलरेशन भी पता है, जबकि हमें मास नहीं पता. सो सबसे पहले हम जो हमारे पास फॉर्मूला है उसको हम क्या करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे. तो हमारे पास क्या है, ए इधर आगे डिवाइड हो जाएगा एफ ओवर ए, लिहाजा हमारे पास फॉर्मूला सिंपलीफाई होकर क्या बना, एफ ओवर A. तो by putting the values, अब values हम क्या करते हैं, put करते हैं, F हमारे पास कितना है 20 न्यूटन, और acceleration A कितनी है हमारे पास 2 है. अब हमारे पास ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 × 2 = 0 विच इज इक्वल टू 10. सो मास ऑफ द बॉडी इज 10 kg. अब हमारे पास kg मास का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो किलोग्राम होता है, लिहाजा हमने इसकी इसके साथ kg ले लिया. अगर आपने वैसे भी देखना है तो हमारे पास जो यूनिट है, हमारे पास फोर्स का यूनिट होता है हमारे पास न्यूटन, और हमारे पास एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक. तो एक न्यूटन जो होता है वो 1 न्यूटन, जो 1 न्यूटन जो होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक.
तो मीटर पर सेकंड स्केयर से कट जाएगा, तो किलोग्राम हमारे पास बचते रहेगा, तो किलोग्राम हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 10 kg। तो ये हमारे पास, ये हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। अगर आपको इस न्यूमेरिकल के अंदर किसी किस्म की भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें और लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।